आदाब अर्ज़ है, एडियन उर्दू ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ आपके साथ शेख ज़ुबैर। ख़बरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं नज़र आज की अहम खबरों पर। मुल्क ने आज साबिक सदर जमहूरिया व मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम का यौम पैदाइश मनाया। इस दिन को यौम तरगीब मुताला के बतौर मनाकर पेश किया गया खिराज अकीदत। कांग्रेस पार्टी आइंदा बल्दिया उज़्मा के इंतखाबी मैदान में खुद के बलबूते पर उतरेगी, कहा पार्टी रहनुमा अमित देशमुख ने। छावनी का जुमरात बाजार जुजवी तौर पर शुरू, सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क से बरती जा रही है लापरवाही। अब खबरें तफसील से। आज आज़ाद हिंदुस्तान के 11वें सदर जमहूरिया और अजीम साइंसदा मिसाइल मैन अबुल फाखिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम का यौम पैदाइश पूरे मुल्क में मनाया गया। इस मौके पर अहले मुल्क ने अपने अजीम सपूत को खिराज अकीदत पेश किया। नाजरीन, APJ का यौम पैदाइश इनकी ख्वाहिश के मुताबिक यौम तरगीब मुताला के तौर पे मनाया जाता है। आज 15 अक्टूबर मादर हिंद के एक अजीम सपूत, नामवर साइंसदान, बच्चों के चहीते रहनुमा, मिसाइल मैन और मुल्क के साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर अबुल फाखर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम यानी APJ अब्दुल कलाम का यौम पैदाइश है। नाजरीन, ये अजीम शख्सियत भी दुनिया की बेशतर नामवर व बड़ी हस्तियों की तरह एक गुरबत कदे की पैदावार थी। ताहम APJ को कुदरत ने बचपन ही से इल्म के शौक व तजस्सुस से नवाजा था और वो हमेशा इम्तियाजी तालिबे इल्म रहे। उनके वालिद एक मस्जिद के इमाम और कश्ती के मल्लाह थे। अब्दुल कलाम ने तालिबे इल्मी के ज़माने में अखबार फरोशी की और अपने शौक इल्म और हुसूल मकसद की लगन ने उन्हें कभी थकने नहीं दिया और फिर वो एक अजीम साइंसदान और मिसाइल मैन कहलाए। मुल्क को एटमी ताकत बनाने और पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट 1998 में कलाम ने अहम रोल अदा किया। अपने करियर की इब्तिदा में उन्होंने फजाइया के लिए एक आला मेयारी हेलीकॉप्टर बनाया। नेस इसरो नामी इदारे में अहम खिदमात अंजाम दी। APJ का ज़ौक़ मुताला गज़ब का था और इसी मुनासिबत से और इनकी ख्वाहिश के मुताबिक इस अजीम शख्सियत का यौम पैदाइश 15 अक्टूबर को यौम तरगीब मुताला के बतौर मनाया जाता है। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के जिला रामेश्वरम के मजाफा धनुषकुवाड़ी में पैदा हुआ ये भारत का अजीम लाल मुल्क के सबसे अजीमुल मर्तबत मसनद यानी सदर जमहूरिया के ओहदे पर साल 2002 की 25 जुलाई को विराजमान हुआ और वो 25 जुलाई 2007 तक सदर जमहूरिया हिंद रहे। आज़ाद हिंदुस्तान के वो 11वें सदर जमहूरिया थे। उन्हें मुल्क के बड़े एजाज भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और कई एजाजात से नवाजा गया। तालीम व तालुम के लिए वो हमा वक्त सरगर्दा रहते थे और उन्होंने कहा था कि तदरीस एक इंतहाई अजीम पेशा है जो किसी भी फर्द के अखलाक की तहजीब, उसकी अहलियत और उसके मुस्तकबिल को एक रूप अता करता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे मुअल्लिम की हैसियत से याद रखें तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज होगा। इल्म की रानाइयां बिखेरने के आदि अब्दुल कलाम आखिरी लम्हात तक अपने इस मिशन पर सरगर्दा रहे, मुताले में लगे रहे और लोगों का ज़ौक़ मुताला बढ़ाते रहे। 27 जुलाई 2015 को मेघालय के शिलांग में एक लेक्चर जो यहाँ के IIM में मुनक़िद था, कलाम अपना लेक्चर दे रहे थे कि पैगाम अजल आ गया, APJ अचानक गिर पड़े और बाद अज़ां इंतकाल कर गए। ADN न्यूज़ अपने इस अजीम रहनुमा को आज उनके यौम पैदाइश के मौके पर खिराज अकीदत पेश करता है। आइंदा बल्दिया उज़्मा के इंतखाबात कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पे लड़ेंगी, इस तरह का खुलासा गुज़िश्ता रोज शहर के कांग्रेस पार्टी के गांधी भवन में मुनक़िद एक पार्टी मीटिंग के इजलास में कांग्रेस रहनुमा अमित देशमुख ने किया है। रियासत में बरसर इक्तदार महाविकास अघाड़ी की शरीक कार कांग्रेस पार्टी औरंगाबाद बल्दिया उज़्मा इंतखाबात अपने बलबूते पर लड़ेगी, इस तरह की इतला कांग्रेस के रहनुमा अमित देशमुख ने दी है और कहा कि महाविकास अघाड़ी के तमाम शरीक पार्टियां मकामी खुद मुख्तार इदारों के चुनाव आज़ादाना अपने अपने बल पर ही लड़ती आई हैं, इसलिए
कांग्रेस मजकूरा चुनाव भी अपने बल पर ही लड़ेगी। उन्होंने फरमाया कि कांग्रेस के मकामी कारकुनान भी चाहते हैं कि ये चुनाव पार्टी अपने बल पर ही लड़े, इसीलिए हम पार्टी के मकामी कायदीन व कारकुनान की राय व ईमा का एहतराम करेंगे। अमित देशमुख गुज़िश्ता रोज़ शहर के गांधी भवन में कारकुनान के एक इजलास से मुखातब थे। शहर का मारूफ छावनी का जुमेरात बाजार जुज़वी तौर पर शुरू कर दिया गया, जिसके सबब बाजार से रोज़ी हासिल करने और यहाँ के साकनान खरीदारों को राहत तो मिली है, ताहम हिदायत के बावजूद कोरोना एहतियाती इकदाम की कमी का पाया जाना खतरे की घंटी है। छावनी परिषद इंतजामिया के इस जानिब तवज्जो देने की जरूरत है। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, सारी दुनिया इसके वैक्सीन की मुतलाशी है। मुल्क भर लॉकडाउन के बाद अनलॉक के तहत बहुत सारे कारोबार शुरू तो किए जा रहे हैं, ताहम पाबंदियाँ एहतियात और तदारुकी नज्म ज़ब्त हनूज लाजमी हैं। छावनी कंटोनमेंट के जुमेरात को लगने वाले बाजार को जुज़वी तौर पर इजाज़त यहाँ के कंटोनमेंट बोर्ड ने दी है। मास्क लगाने और दीगर एहतियाती इकदाम की हिदायत भी दी गई हैं। ताहम हमारे नुमाइंदे ने जब बाजार का जायजा लिया तो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग तमाम शुद्ध नजर आया, अक्सर लोग बिना मास्क ही नजर आए। छावनी बोर्ड का ये बाजार शुरू करने को छोटे व्यापारियों और साकिनान की राहत रसानी का इकदाम को तो कहा जा सकता है, ताहम जरूरी है कि वो उन एहतियाती उमूर पर अमाला आवरी को भी यकीनी बनाएं और इसी सिलसिले में मौसर इकदाम करें। साथ ही बाजार में आने वाले व्यापारियों और सारिफिन पर भी तमाम एहतियात मुकदम रखें। उम्र दराज अफराद बाजार का रुख न करें, इसी तरह अपने बच्चों को भी बाजार से दूर रखें। जी बाजार में आप अपना धंधा कर रहे हैं, आपने मास्क भी नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, मास्क है ना हमारे पास, क्या है? अभी कैमरा देखने के बाद आप मास्क लगा रहे हैं। मैं तो ये बोलो, आप बाजार में धंधा कर रहे हैं, यहाँ पे आप धंधा कर रहे हैं, आपने मास्क भी नहीं लगाया, मास्क कहाँ है आपका? जेब में था, रुमाल था जेब में। अभी हमारे को ऑफिस की तरफ से ऐसा ऑर्डर मिला था, तो जो थोड़े बहुत लोग हैं जो बैठ रहे अभी जो लॉकडाउन में बैठते थे उनके हिसाब से उनको बैठने के लिए जगह दी है, और ये साफ सफाई के लिए उसके लिए इनसे 50-50 रुपये का कलेक्शन। हमारे पास एक बाज़ार है जहाँ पे लोग, बहुत बड़ा बाज़ार है जहाँ पे लोग सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं और कुछ पार्ट्स में एनिमल्स भी बेचते हैं। वो बाज़ार जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो बंद था, लेकिन उसके बाद जब फल लोगों को बेचने थे, खरीदने थे, ईद के टाइम लोगों को फल बेचने थे, खरीदने, उस टाइम हमने उसको खोला था। पहले वो अल्टरनेट डेज पे हम चला रहे थे, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन मतलब अनलॉक शुरू हुआ तो हर जगह लोगों ने अपने अपने जगह, पुरानी जो जगह थी वहाँ पे बेचना शुरू किया, और एक पब्लिक डिमांड जो हमारे यहाँ लोग बेचते और खरीदने करते ये थी कि एक पार्ट जो है बाज़ार का ये हफ्ते में एक बार खरीदी करने के लिए खोला जाए, तो हमने वो खोल के तब से हम उसको वहाँ पे खरीदी और बेच की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। मार्च में जब फर्स्ट फेज का था लॉकडाउन का, तब से हम उसको चला रहे हैं और तब से हम उसको मतलब तब से उसको रेगुलेट करके चला रहे हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे खरीदार है, छोटे छोटे लोग जो बेचने वाले हैं, जो सब्जी बेचते उनके लिए वो सुविधा हमने बनाई है। आज मराठवाड़ा के सहाफ़ियों और सहाफ़ती फोटोग्राफरों की मराठवाड़ा वृत्तपत्र छाया चित्रकार संगठना का पहला यौम तासीस मनाया गया। इस मौके पर कोरोना एहतियात व तदाबीर को बरूएकार लाते हुए तपड़िया नाट्य मंदिर हॉल में एक तकरीब मुनक्किद हुई। कमिश्नर बलदेउज़मा व शहर के पुलिस कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर और ज़िला कलेक्टर साहिबान इस तकरीब के मेहमानाने खसूसी थे, जबकि संगठना के अहदेदारान इस मौके पर मौजूद थे। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का, वक्फे के बाद फिर हाजिर होंगे। ज़रूरतमंदों की मदद और इंसानियत की खिदमत इम्तियाजी फरीजा है, इबादत है। शहर औरंगाबाद में घाटी अस्पताल व कैंसर अस्पताल में रोजाना हजारों मरीज व उनके रिश्तेदारों की आमद होती है। दूर दराज के मरीजों के अकरबा के खाने व रिहाइश के मसले को हल करते हुए उनके क़याम व ताम का मुफ्त नज़्म पिछले कई साल से मस्जिद जमील बेग से मजलिस तामीर मिल्लत करती आ रही है। तामीर मिल्लत के ज़ेर एहतमाम दोनों अस्पतालों के अलावा शहर के दीगर दवाखानों में भी मरीज व उनके रिश्तेदारों को दो वक्त का खाना पहुँचाया जाता है। मजलिस तामीर मिल्लत ने अहल खैर हजरात से अपील की है कि इस कार खैर में हिस्सा लें, मस्जिद जमील बेग पंचक्की औरंगाबाद पर रास्त मुलाकात करें या मोबाइल नंबर 9765005
5577 पर राब्ता करें। सुवर्ण संधि सुवर्ण संधि सुवर्ण संधि, बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा। केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यता प्राप्त DMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजिओथेरपी, ECG, एक्सरे, CT स्कॅन, BMS, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, सर्टिफिकेट इन इमर्जन्सी मेडिकल सर्व्हिसेस, डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट। तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ आणि SNDT महिला विद्यापीठाचे BA मराठी व उर्दू माध्यम, MA सर्व विषय, BCom, MCom, MA एज्युकेशन, मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बाल संगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात। 4th पास ते 12th नापास यांना 6 महिन्यात 12th पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची सुवर्ण संधी। संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पात्रीकर शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसडा महाविद्यालय औरंगाबाद, मोबाईल क्रमांक 9405109103 आणि 8830838903। वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है। भीमनगर भौसिंगपुरा से फौरी कचरा डिपो हटाए जाने और दिगर मुतादित मुतालबात व साकिनान की बुनियादी सहूलियात की फराहमी को लेकर साबिक कॉरपोरेटर कृष्ण बनकर ने कमिश्नर बलदेव उजमा को याददाश्त पेश की है। नेज इंतबा दिया है कि 15 अक्टूबर तक मसले का हल ना होने की सूरत में शदीद एहतजाज किया जाएगा। भीमनगर भौसिंगपुरा के साबिक कॉरपोरेटर कृष्णा एस बनकर ने बलदिया उजमा के कमिश्नर को चौथी मरतबा इस माह यकुम अक्टूबर को एक याददाश्त पेश की है। इस याद दहानी मकतूब में अपने अजीका भी दिए गए मकतूबात का जिक्र करते हुए भौसिंगपुरा में वाक़े कचरा डिपो हटाए जाने और इस इलाके के साकिनान को बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मतालबा करते हुए वजाहत की गई है कि वार्ड में कलीदी रास्तों से हटकर दीगर तमाम रास्ते खराब हो चुके हैं। स्ट्रीट लाइट की दुरुस्ती पर ध्यान नहीं दिया जाता है। खतीर रुकून के तखमीने से लगाए गए कई हाई मास्ट लाइट बंद हैं। अलावा अजी यहाँ के कचरा डिपो से उठ रहे ताफुन व गंदगी से साकिनान की सेहत आम्मा को शदीद खतरा लाहक है। आब रसानी का नज्म मुतासिर है। इन तमाम अदम सहूलियात और साकिनान के बुनियादी हकूक की फराहमी का फौरी नज्म किया जाए और अंदरून 15 यौम तमाम तर मौके पर जायजा लेकर यहाँ के मसाइल का हल किया जाए। इसी तरह इंतबाह भी दिया गया है कि बसूरत दीगर 15 अक्टूबर से जमहूरी तर्ज पर शदीद एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। कमिश्नर को दी गई इस याददाश्त पर कृष्णा बनकर के अलावा वार्ड के मुतादित साकिनान के भी दस्तखत सख्त हैं। हमने ये आज का जो इशारा आंदोलन है, ये पानी का प्रॉब्लम चालू है, पानी बहुत आ रहा है, बारिश आ रही है, इसलिए हमने ये इशारा बोल के आज धरने निदर्शन रखे है। तो यास्तिक कुमार पांडे जो कमिश्नर है, ये हमारे आंदोलन से डर के भाग गया है। हम ऐसा बोलेंगे क्यों? तो हम पूर्ण टैक्स पेड एरिया है हमारा, फिर भी ये काम नहीं करते, फिर पैसा जा रहा कहाँ है? हम कितने दिन सुनने वाले हैं कि पैसा नहीं है? घरकुल के पूरे संचिका इन्होंने दबा के रख दिए। ये सब मागस वर्गीय फंड आयवा ये देते नहीं, आधे घरकुल बने हमारे तरफ, आधे वैसे पड़े है। और शासन कहता है कि जिसके पास जगह नहीं है, जिसके पास प्लॉट नहीं है, उनको भी घर देंगे। फिर घर कब देंगे आप? घरकुल योजना कब देंगे? ये सब बनवा बनवी का काम है, इसलिए हम इनको जो है तो इनकी नींद में जो सो रही है इनको जगाने के लिए हमारा यहाँ पे धरना आंदोलन है। और ये आज का धरना आंदोलन, जब तक कमिश्नर आएगा नहीं यहाँ पे, हमारा ये आंदोलन चालू रहेगा। और ये 15 दिन में इन्होंने ये कचरा डिपो के बारे में निर्णय नहीं लिया, लाइट के बारे में निर्णय नहीं लिया, या तो फिर रास्ते के बारे में निर्णय नहीं लिया, तो हम 15 दिन के बाद यहाँ पे बड़े तादाद से, यहाँ पे बड़े जोर शोर से हम आंदोलन करेंगे। और जोर पड़ा तो हम कमिश्नर का मुंह भी काला कर देंगे, ये आपके ADN न्यूज को हम कहते हैं। बीड बाईपास शाहरा पर
रास्ता कुशादगी के नाम पर की गई कार्रवाई को अरसा बीत गया, ताहम कुशादगी के काम नदारद हैं और मुतालिका रास्ता मुतासरीन बेरोजगारी का शिकार हो गए। अगर इन अफराद को इतना कबल अज वक्त ना हटा दिया गया होता तो शायद इनका साल भर से जायद का माशी नुकसान ना हुआ होता। इस तरह के एहसास का इजहार साकनान और व्यापारियों ने किया है। शहर की मसरूफ तरीन चाहरा बीड़ बाईपास, जहाँ इंतजामिया ने ट्रैफिक को चुस्त दुरुस्त बनाने और सड़क को वसात देने की गर्ज से सड़क किनारों के कई कारोबारियों को पिछले अरसे हटा दिया था। सड़क किनारे बहुत से कारोबारियों के दुकानों, होटलों व दीगर तजारतों पर रोजगार का इन्हिसार था। ताहम एक अरसा बल्कि लंबा अरसा बीत गया है इन कारोबारियों को रास्ता वसात के नाम पर हटाकर बेरोजगार कर दिया गया। अब इन लोगों का इस्तदलाल है कि अगर रास्ता बनाना ही था तो इसके लिए साल हा साल की मुद्दत क्या मानी रखती है, काम अगर जल्द कर लिया जाता तो ये लोग अपनी बची अराजियों पर दोबारा रोजगार का नज्म कर लेते और इस तरह एक बड़ी तादाद में साकिनान के बंद हो गए कारोबार वो रोजगार दोबारा शुरू हो जाते। इन साकिनान और रास्ता मुतासरीन ने मुतालिका कार्रवाई और गफलत शियारी पर इंतजामिया के तहीं शदीद नाराजगी का इजहार किया है। टूट के तो देखो कम से कम एक साल होने को आ रहा, हमारे जो धंधे पानी थे वो धंधे खत्म हो गए ये कटिंग की वजह से। जो दुकानदारी थी, जो धंधा बिजनेस करने वाले थे वो सब खत्म हो गए। ना ये रोड पे गाड़ियाँ रोकने के लिए जगह है, ना खड़े करने के लिए जगह है, खड़े नहीं रहने देते यहाँ पे। फिर उसमें हम लोग काम धंधे क्या करेंगे। ये कटिंग क्यों किए थे उन्होंने, क्या वजह? कटिंग रोड बड़ा करने के लिए कर रहे बोले थे उन्होंने। अब कटिंग हो गया तो एक साल हो गया, रोड तो कुछ चौड़ा हुआ नहीं। क्या वजह थी रोड बड़ा करने की वजह? जो मासूम लोगों के एक्सीडेंट हो रहे थे, लोग एक्सीडेंट में मर रहे थे, उसके लिए उन्होंने सोचा कि भाई चलो रोड बड़ा करेंगे तो अच्छा रहेगा कि जो जाने जा रही वो भी नहीं जाएंगी। तो लोगों को कुछ उसका मुआवजा भी नहीं मिला कि वो आगे कुछ कर सके बोल के, कि दुकान छोटी मोटी दुकान बनाए या कुछ करें। अभी ये रोड कटिंग की वजह से अब होंगे जब होंगे बोल के मामला रुके हुआ है। साल भर के आसपास हो गया, अभी रोड चला उन्होंने तो रोड खोदते गए, अभी उसको बाद में लेवल नहीं करा। और जो रोड बनाने का सर्विस रोड बनाने का उन्होंने बोला था सर्विस रोड बनेगा, वो भी नहीं, अभी काम पेंडिंग में पड़ा है। तो भाई गाड़ियाँ जो बाहर की गाड़ियाँ, अपना कांच का काम है, तो बाहर की जो गाड़ियाँ आती है रुकती काम कराती, उनको जगह खड़े आने की जगह नहीं, वो सीधा आके निकल जाते हैं। धंधे में बहुत असर पड़ रहा है सर। हमारे का पालिका का काम था, मतलब थोड़ा एक्सीडेंट कम होंगे, ट्रैफिक जो बढ़ गया, ट्रैफिक जो मतलब लेवल में आएगा, तो लेवल तो अब जो है बढ़ते जा रहा है ट्रैफिक। बाकी जो उनका रोड छोड़ा करने का प्लान था वो तो उन्होंने किया ही नहीं। तो वही सर, रोड छोड़ा करो सर, जल्दी से जल्दी रोड बन जाए। छोड़ा हुआ सर्विस रोड बनेगा, जो मतलब जो सबसे गली में से निकलते उनको रोड पे आने को थोड़ा आगे जो कट मिले वहाँ पे रोड हाईवे पे मिल सकते हैं। इंसानों की खिदमत मुकद्दम है। कोरोना के खतरात और जान का जोखिम लेते हुए ज़रूरतमंदों की ज़रूरियात को मलहूज रखते हुए शहर के शीरियानगर के राशन दुकानदार ठोले ने अपनी खिदमात जारी रखे और जब वो खुद और इसके अहले खाना कोरोना से मुतासिर हो गए तो मुतबादिल नज़्म किया और फिर भी दुकान बंद ना की। कोरोना के इस दौर ने तमाम ही तबकात को हवास बाख्ता कर दिया था। लॉकडाउन व जनता कर्फ्यू के दौरान अक्सर कारोबारियों ने अपने कारोबार बंद रखे थे और इसी तरह समाज के उमूमी तबकात शदीद मुश्किलात व अदम सहूलियात के शिकार हुए थे। यही हाल सरकारी फराहमी की राशन दुकानों का भी रहा, जिसके सबब सारिफीन राशन के हुसूल से या तो महरूम हुए या मुश्किलात के शिकार। शहर के न्यू श्रेयनगर इलाके में वाक़ सस्ते अनाज की फराहमी की दुकान स्वस्थ धान्य दुकान नंबर 56 के मालिक के ए ठोले बावजूद पीरा नसाली के कोरोना के खतरे में जान जोखिम में डालकर अपनी दुकान जारी रखते हुए खिदमात की अंजामदेही करते रहे और बिलाखिर कोरोना से मुतासिर हो गए। और इतना ही नहीं, उनके अहले खाना में भी 3-4 अफराद कोरोना पॉजिटिव हो गए तो उन्होंने मुतबादिल अफराद का नज्म करके अपनी दुकान जारी रखी ताकि गरीब व जरूरतमंद सारिफीन को परेशानियों का सामना न हो। सर, हम लोगों ने सरकार का हमको पूरा सपोर्ट था, पूरा माल हमको टाइम से आया, हम लोगों ने सब लोगों को माल दिया। हम लोगों ने ऐसा मतलब कि बंद रखा कोरोना से डर के दुकान बंद रखने का ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया। हालांकि इसमें हमारा पूरा परिवार पिछले महीने इस चपेट में आया, हम घर के 6 लोग हैं, हम सारे के सारे पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन फिर भी हमारी दुकान अभी भी शुरू है। भगवान की दया से हम लोग सब ठीक है, लेकिन अभी भी जो हमारे पिताजी जो मेन यहाँ बैठते थे वो अभी भी है, तो मतलब बहुत परेशानी में है। हमने किसी और को, हमारे भाई को, दूसरे को उनको बता के यहाँ पे दुकान पे बताया, लेकिन लोगों का राशन हमने बंद नहीं किया,
ना ही दुकान बंद करने का अर्जी दिया, क्योंकि हमको पता है हमारे मेरे पास टोटल 700 कार्ड वाले हैं। 700 कार्ड वालों को माल देना कितना ज़रूरी है मेरे को पता है, क्योंकि 700 लोग फैमिली मतलब एक घर में अगर मैं 5 लोग भी पकड़ूँ तो 3,500-4,000 लोगों को हम लोग भूखा नहीं रख सकते। इसलिए हम लोगों ने अभी भी दुकान शुरू है और हम लोगों को अभी भी अगर किसी का माल रह जाता है हम फ़ोन करके बुला के उन लोगों को माल पहुँचा देते हैं। दुकान वालों के लिए हमारी तो यही मांगनी थी कि सब लोगों के सर थम लेना बहुत मुश्किल होता है। ये पहले 4 महीने नहीं था थम लेना तो हमारे में से मतलब इतनी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जैसे ही ये थम शुरू हुआ हम लोग इसके चपेट में आ गए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉजिटिव आएगा, उसका थम लगेगा, उसके बाद हमारा थम लगता है, ये उसी के चलते ये सब बढ़ रहा है। पिछले महीने हमारे राशन के 2 दुकानदार एक्सपायर हुए इसमें, एक सिडको के और एक अम्बेडकर नगर के, और अभी हम तो बच के बाहर ही आए हैं। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि इस थम का कुछ और पर्याय निकाले, क्योंकि इससे और अभी हमारे डीएन पाटिल साहब जो है उन्होंने ही बताया कि 28 दुकानदार अभी पॉजिटिव है पूरे जिले में और बहुत सारे लोग रिकवर होके आए हैं, लेकिन बहुत मुश्किल जा रही है सर। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले फिर एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मुल्क ने आज साबिक सदर जमहूरिया व मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम का यौम पैदाइश मनाया। इस दिन को यौम तरगीब मुताला के बतौर मनाकर पेश किया गया खिराज अकीदत। कांग्रेस पार्टी आइंदा बल्दिया उज़्मा के इंतखाबी मैदान में खुद के बलबूते पर उतरेगी, कहा पार्टी रहनुमा अमित देशमुख ने। छावनी का जुमेरात बाजार जुजवी तौर पर शुरू, सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क से बरती जा रही है लापरवाही। तो ये थी आज की अहम खबरें, कल फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक देखते रहे ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की। आदाब।